MBA in Environmental Management. Admission process, eligibility, course, top companies, top placement, and average salary. Press the bell icon. Never miss an update from Student Khabri. Hello guys and welcome back. I'm Avinash and you're watching Student Khabri. Well, in this video, we are going to discuss about MBA in Environmental Management. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की एज सच, तो उसे मैनेज करने के लिए भी हमें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में फायर आया है, तो अब ऑस्ट्रेलिया में जो फायर आया है उसे मैनेज करना है, उसे बुझाना है, तो उसे भी मैनेज करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें इस कोर्स के अंदर पढ़ाई जाती है। कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ताकि आप जो एनवायरनमेंट कंपनी है जिसका रिलेशन एनवायरनमेंट से है, कंपनी एंड एनवायरनमेंट दोनों को फायदा हो। ओके, सो अब लेट्स डिस्कस अबाउट द लिटिल बिट कोर्स ओवरव्यू। सो अगर मैं बात करूँ तो ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको एनवायरनमेंट एंड एनर्जी से रिलेटेड सारा मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और ये एक सेमेस्टर लेवल पे एग्जामिनेशन होता है इस कोर्स के अंदर। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 45% चाहिए फ्रॉम ग्रेजुएशन इन एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है आपको 40% मार्क्स का। अब अगर मैं डिस्कस करूँ एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। आपको पहले एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, जैसे कि कैट, मैट, जैड। उसके रिजल्ट आने के बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद बेस्ड ऑन आपका क्या परसेंटाइल है, आप उस कॉलेज के GD राउंड में अपीयर होते हैं। GD राउंड के बाद PI राउंड में अपीयर होते हैं, और फिर अगर आपके ये दोनों राउंड क्लियर हो जाते हैं, तो आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। अब अगर मैं सैलरी की बात करूँ, तो जो एवरेज सैलरी मिलती है फ्रेशर को, वो 5 से 7 लाख रुपीज पर NM तक जाती है। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल चुके हों। इनकेस कोई ऐसा डाउट है जिसका आंसर आपको अभी भी नहीं मिला, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, या फिर कमेंट करके वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।